एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्वेश्चन 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, कह रहे हैं कि कंप्लीट क्वांटिटी निकालो अगर ए पार्ट 5% ऑफ इट इज 600। कह रहे हैं कि कोई एक वैल्यू है जिसका 5% 600 है, क्लियर। अगर एक किसी वैल्यू का 5% 600 है तो पूरी वैल्यू कितनी होगी, मींस 100% कितनी होगी। तो क्योंकि हमसे ये बोल रहे हैं कि बताओ पूरी वैल्यू क्या होगी, तो हम उस वैल्यू को ले लेते हैं एक्स, क्लियर। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख देते हैं, इन्हें बोला ना होल क्वांटिटी निकालो, तो हम लिख देते हैं लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। हमने मान लिया कि कंप्लीट क्वांटिटी एक्स है, तो उस कंप्लीट क्वांटिटी एक्स का 5% 600 होगा, क्लियर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 600, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5% मींस 5/100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स ही लिखा और 600 का 600 ही लिख दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों को यहीं की यहीं कैंसिल आउट करना चाहें, या फिर आप चाहें तो ये डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। तो ये आपकी जैसा भी दिमाग चले आप वैसा कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ यहाँ पे कैंसिल आउट। तो 5 × 5 और 5 की टेबल में 20 × 100 होता है, क्लियर। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये 1/20 इंटू एक्स इक्वल टू 600। एक बात याद रखना, दोनों सेम टेबल से ही काटना होगा। मैंने देख लिया कि 5 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं 5 और 100, इस वजह से मैंने क्या किया इनको कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो कि कई बच्चे कैंसिल आउट कर भी नहीं पाते, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो उसमें आप क्या करेंगे कि ये जो 100 डिवाइड में है ये दूसरी साइड जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्लियर। तो आप फिर कैसे लिखेंगे, ये 5 × 5 यहीं रह जाएगा और ये 600 वहां था, लेकिन डिवाइड से 100 इस साइड आया, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, ये 5 जो मल्टीप्लाई में है ये दूसरी साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो 600 × 100/5 ये हो जाएंगे, क्लियर। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। कई बच्चे क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे मैथ्स के, ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 और ये 100 दोनों के दोनों सेम टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो कैसे, 5 × 5, 5 × 2 = 10 और 10 जो बचा था वो एज इट इज लिख देंगे, क्लियर। इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 × 20, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, आप क्या करेंगे सीधा 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 हो जाएगा मेरा 12 और 2 0 ये और 1 0 ये, तो 3 0 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 12,000 ही आएगा। तो हमारी होल क्वांटिटी कितनी आ गई, जो हमने एज्यूम की थी वो थी हमारी 12,000, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 का अगर तुम 5% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 600 के इक्वल आएगा, क्लियर है। ए पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे, कह रहे हैं कि होल क्वांटिटी निकालो अगर उसका 12% कितना है, 1080 के इक्वल है। तो सॉल्यूशन अगेन हमें लिखना पड़ेगा, लेट द होल कंप्लीट क्वांटिटी, है ना, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है। तो उस होल क्वांटिटी मींस उस एक्स का 12% कितना है, मींस 12% ऑफ एक्स कितना है हमारा, 1080 रुपीज,
तो हमने 12% मतलब होता है 12/100, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स ही लिखेंगे और ये 1080 लिख देंगे, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये 100 डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो 12 इंटू एक्स बचेगा यहाँ पे, जो हमने पिछले स्टेप में किया था, मीन्स पिछले पार्ट में किया था वैसे ही करेंगे, 12 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 नहीं लिखा, लिख देता हूँ, तो 1080 इंटू 100 अपॉन 12, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो आप, अब थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत इजीली सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दो सीधा, या फिर आप देख रहे हो तो ये 12 और ये 100 टू की टेबल में भी आते हैं, फोर की टेबल में भी आते हैं, क्लियर। और मुझे एक और चीज दिख रही कि 12 बन जा 12, 12 9 जा 108 भी होता है, क्लियर। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डील कर सकते हैं। मेरे को जो लग रहा है सही तरीका वो ये है कि 12 बन जा 12 किया मैंने, 12 9 जा 108 होता है, ठीक है। और ये मतलब एक जो जीरो मेरा बच गया वो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, तो मैंने ऊपर और नीचे वाली वैल्यू दोनों को 12 से कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा ऊपर बचा 90 इंटू 100, क्लियर। और इसको अभी भी मैं क्या नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई मीन्स डायरेक्ट हो जाएगा मेरा, 9 बन जा मेरा 9 हो जाएगा, तो मैं 9 लिख देता हूँ, और कितने जीरो, एक ये जीरो, दो ये जीरो, तो टोटल 3 जीरोस, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 जीरोस लिख देंगे, तो होल क्वांटिटी मेरी कितनी आ जाएगी, 9000 आ जाएगी, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये बस कैंसिल आउट ये पार्ट आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पर, सी वाले पार्ट पर। सी पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे लिए कि 40% किसी वैल्यू का 500 के इक्वल है, तो हमें पूरी वैल्यूज निकालनी है। तो हम अगेन वही लिखेंगे कि लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है। तो अगर होल क्वांटिटी ले रहे हैं हम एक्स, तो 40% उस एक्स का क्या आएगा मेरा, 500 किलोमीटर के इक्वल आएगा। तो फिर से वही बात, 40/100% मीन्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 500, क्लियर। अगेन 40 इंटू एक्स, ये 100 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 40 ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 इंटू 100 अपॉन 4040, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, हम डायरेक्ट एक जीरो से एक जीरो ये वाले काट सकते हैं, आप चाहते तो ये वाले जीरो भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको मैं देख रहा हूँ कि ये 4 बन गया और ये 10 है, दोनों 4 और 10 मेरे 2 की टेबल में आते हैं, तो मैं 2 से काट देता हूँ, 2 2 जा 4 होता है और 2 5 जा 10 होता है। अब 2 और 5 दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो इस वजह से मैं इनको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 500 2 से डिविजिबल है और 2 तो है ही 2 की टेबल से डिविजिबल, तो इनको अगेन मैं काटूंगा, तो 2 1 2 और 200 मींस 500 का आधा 250 होता है, क्लियर। इसको आप इस तरह से कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे केसेस में सेम आंसर आएगा आपका। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 250 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको बस हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 250 को 5 से, तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 500 जा 0, 5 5 जा होता है मेरा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 1 2 5 0, तो मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही, 1250 के इक्वल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा सी पार्ट, अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। देखो डी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट, किसी क्वांटिटी का 70% मीन 70% कितना है 14, तो हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो हमने मान लिया कि लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, तो उस एक्स का 70% 14 मिनट के इक्वल है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 70% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 14 मिनट्स, क्लियर। मिनट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ,
अब परसेंटेज का मतलब होता है हमारा क्या, अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का एज इट इज, और ये 14। इसके बाद हम ये जो है इधर से मैं डायरेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डिवाइड से मल्टीप्लाई ही लेकर के जाओ, अगर कुछ हो रहा है सॉल्व तो कर भी सकते हो ना। जैसे कि ये 0 और ये 0, ऊपर और नीचे वाले ये मैंने 0 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, इससे बच गया मेरा 7/10। तो ये वाला 10 अब मैं वहां पे जा करके डिवाइड में इस साइड है तो उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा मेरा 7 × x 14 × 10। मीन्स डिवाइड में 10 था वहां गया तो मल्टीप्लाई में। इसके बाद एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो 14 × 10, और ये नीचे 7 आया, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, तो ये भी कट गया मेरा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 2 × 10, तो 2 × 10 = क्या होता है 20, और क्योंकि ये मिनट्स की बात हो रही है तो मिनट्स लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल क्वांटिटी, क्लियर, 70 है हमारा इसका आंसर। तो बच्चों डी वाला पार्ट भी हो गया, अब आ जाते हैं हम ई वाले पार्ट में, क्लियर। तो ई वाला पार्ट अगर आप देखें ध्यान से, तो ये रहा 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। तो कह रहे हैं किसी का, किसी वैल्यू का 8% अगर 40 लीटर है, तो हमारे लिए वी हैव टू फाइंड द होल क्वांटिटी। तो लेट अस टेक द होल क्वांटिटी बी, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ई पार्ट। सो 8% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 8% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा, 40 लीटर्स, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज और 40 भी एज इट इज। अब इसके बाद हम चाहें तो 8 और 100 को कैंसिल कर सकते हैं 4 की टेबल से, 2 की टेबल से, क्लियर। लेकिन हम इसको लेकर के जाएंगे सीधे पहले डिवाइड से मल्टीप्लाई में, वहां देखेंगे कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो 8 × x इस साइड बचेगा और 40 × 100, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद ये 8 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचा रहेगा, तो 40 × 100/8, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लो जैसे भी आप कर पाए, तो देखिए कितने इजीली हो जाएगा, 40 और 8 दोनों आते हैं 8 की टेबल में, ठीक है। कैसे, देखिए 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 40, तो अब क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 × 100, यही बस बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। आई मुझे लगता है कि ये मिनट्स में था, नहीं लीटर्स में था, तो 500 लीटर्स लिख देंगे, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर इट इज, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमारा हो चुका है क्वेश्चन 5 कंप्लीट, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट चैप्टर एक साथ ओपन हो जाएगा, पूरा चैप्टर आप एक साथ फिर कवर कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।